हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आपने जैसे कि देख लिया होगा थंबनेल में कि हम आज क्या करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, ये ब्लूटूथ हमारे स्पीकर है और ये ब्लूटूथ स्पीकर हमारा चार्जिंग होता है बंद नहीं होता है। तो इसको कैसे रिपेयरिंग करेंगे तो वही इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे इसको हम रिपेयरिंग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो ब्लूटूथ हमारा स्पीकर है तो पहले हम इसे खोल लेंगे। तो पहले से इसे मैंने चेक किया था एक बार कि मतलब इसमें क्या दिक्कत है, तो इसमें मुझे उतना पता नहीं चला पहले। तो मैं क्या पहले से मैंने खोल रखा है, तो जैसे कि देख सकते हैं तो इसमें कमी क्या है। जैसे कि मैं चार्ज लगाता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें रेड लाइट जल गया है। आप देख सकते हैं रेड लाइट जल गया। और इसको जब मैं स्टार्ट करता हूँ ना, ये जैसे कि आप देख सकते हैं मैं स्टार्ट करता हूँ और ये स्टार्ट नहीं होता है, ऑन नहीं होता है। तो जब मैं इसे ऑन करता हूँ तो ये ऑन नहीं होता है। तो इसमें यही एक प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये क्या है इसको हम चेक करेंगे, क्योंकि मैंने आपको एक बार और ऑन करके दिखा देता हूँ, ये ऑन नहीं हो रहा है। तो जैसे कि आप ये आपने देखा ये ऑन नहीं हो रहा, तो इसी प्रॉब्लम को हम आज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसे हमने खोल रखा था, जैसे कि आपको मैंने बताया ये मैंने पहले खोल रखा था। तो इसका हम कवर निकाल लेंगे पहले। तो ये हमने कवर निकाल लिया है, इसको इधर रख देते हैं, इसको भी इधर रख देते हैं। आप जैसे कि आप देख सकते हैं ये पीछे का जो ये बैक है इसको भी हम खोल लेंगे। अब ऊपर से भी हमारा ऊपर ओपन हो चुका है। अब यहाँ जो ये साइड साइड के हमारे नट्स हैं इसको भी हम खोलेंगे। हो चुका है स्पीकर। अब इसमें दिक्कत क्या है हम वो देखते हैं। तो सबको पहले साइड करते हैं। और स्पीकर ये हमारा है स्पीकर वाला पार्ट, तो इस वाले पार्ट को हम इधर रखते हैं। तो इसमें हमारा स्पीकर का जो वायर है उसको एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं। तो स्पीकर का वायर भी हमारा एकदम सही है, इसको वापस वहाँ पर सेट कर देते हैं दोबारा। और दूसरे वाले स्पीकर का वायर भी हमारा एकदम सही है, तो इसको भी अच्छे से सेट कर लेते हैं। अब जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मुझे ये बैटरी में प्रॉब्लम लग रहा है। बैटरी में क्या है कि ये ज़्यादा मतलब जैसे कि चार्ज होता है तो हम चार्ज में लगा के अगर मतलब गाना सुनते हैं या कुछ भी करते हैं, चार्ज में लगा कर हम इसे चलाते हैं स्पीकर को, तो धीरे धीरे इसकी बैटरी की लाइफ ख़राब हो जाती है और ये बैटरी ख़त्म मतलब ख़राब हो जाता है बैटरी। तो हमें बैटरी चेंज करना पड़ेगा। मुझे अच्छे से पता है कि इसे बैटरी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आपको दिख रहा हो तो मैं आप पास में ला के दिखाता हूँ, ये थोड़ा ना फूल गया है, तो बैटरी हमारा फूल गया है। तो ये बैटरी ख़राब हो चुका है, तो इसको हम सोल्डरिंग से हटा लेंगे और एक नया बैटरी लगाएंगे। तो मैं सोल्डरिंग से हटा लेता हूँ इसे, तो मैं सोल्डरिंग से इसकी वायर को हटा लेता हूँ और एक नया बैटरी हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इसके तार मैंने हटा लिए हैं बैटरी के, और ये आप देख सकते हैं ये हमारा बैटरी फूल चुका है। कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक बैटरी है, सेम ऐसे ही बैटरी हमारे पास एक बैटरी और है। तो इस बैटरी को हम एक बार टेस्ट करके देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं करता है। तो इसके पॉजिटिव वायर में, दोनों के पॉजिटिव वायर में पॉजिटिव वायर जोड़ देंगे हम। बैटरी का जो हमारा पॉजिटिव वायर था उसी पॉजिटिव वायर के साथ जॉइंट कर देंगे हम, और जो ये पीला वाला वायर हमारा ब्लैक वाले वायर के साथ जॉइंट कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसे एक बार हम ऑन करके देखते हैं। तो जैसे कि आपने सुना कि ये ब्लूटूथ माउंट बोल रहा है और हमारा ब्लू लाइट भी जल रहा है, तो हमारा ये ठीक हो चुका है, मतलब इसका बैटरी का ही प्रॉब्लम था।
अगर कभी भी अगर आपका चार्जिंग पोर्ट सही है, चार्जिंग आप कर रहे हैं, चार्जिंग हो रहा है, मगर आपका चल नहीं रहा है, आपका मतलब स्पीकर नहीं चल रहा है या ऑन नहीं हो रहा है, तो आप एक बार खोल के एक बार बैटरी आप चेक ज़रूर कर लीजिए। तो इसका यही प्रॉब्लम था और बस। तो हमने पेस्ट लगा लिया है, अब इसे सोल्डरिंग करेंगे। तो वायर को सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो हमारा वायर सोल्डरिंग हो चुका है और इस पे अब हम टेपिंग करेंगे। तो ये हमारा सोल्डिंग कंप्लीट हो चुका है और टेपिंग कंप्लीट हो चुका है। तो अब बैटरी को फिक्स करते हैं। अब इसके जो पेच हैं, पेच भी लगा देते हैं। चुके अब इसका जो ये कवर था, हम इस कवर को भी लगा देंगे। इसका जैसे कवर लगा हुआ था वैसे हम कवर लगा देंगे। पीछे वाला पार्ट था उसको भी हम जॉइंट कर देंगे। तो हमारा पीछे वाला पार्ट लग चुका है, अब इसका फ्रंट की बारी है। तो इसके ये जो हमारा कवर है, कवर को हम ऐसे कुछ लगा देंगे, कुछ इस प्रकार से। पार्ट रह गया, इस वाले पार्ट को भी हम पेच लगा देंगे। तो ये पूरा अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब जो इसका ऊपर वाला ये बटन वाला था, तो इसका बटन वाला जो ये कवर है, इसको भी हम फेविक्विक से जोड़ देंगे। तो गाइज हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, एक बार अब ऑन करके देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ब्लू लाइट जल रहा है और इसका आवाज़ सुन सकते हैं। तो गाइज ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब इसको ऑफ कर दिया है। तो ये हमारा गाइस कंप्लीट हो गया। इसका प्रॉब्लम आपको मैंने बता दिया और इसका यही सॉल्यूशन था। इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि जो भी मेरे नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।